गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल 2022। ऋषिकेश राइडर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त संजू। मैं इस समय सराहन में हूँ। मुझे यहाँ रुके 2 दिन 3 रात हो गई हैं। मैं 14 तारीख की शाम को यहाँ आ गया था और आज है 17 तारीख। तो 2 दिन, तो 15 और 16 तारीख को हमारा सम्मेलन चला, ग्रुप सम्मेलन, जिसकी वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक से सराहन से चिटकुल। चिटकुल की दूरी यहाँ से है 105 किलोमीटर। काफ़ी हाइट पे है, इसलिए करीब करीब जो गूगल मैप दिखा रहा है वो 4 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि सराहन है 7000 फीट की हाइट पे और चिटकुल है करीब करीब 12000 फीट की हाइट पे। और ये भारत तिब्बत का अंतिम गांव भी है, बसपा नदी के किनारे बसा हुआ चिटकुल गाँव। तो मेरी बाइक है, मेरे साथ जो साथी हैं करीब 10 साथी और जा रहे हैं, लेकिन 2 गाड़ियां हैं, 2 कार हैं और 2 बाइक्स हैं, इसमें हम एडजस्ट होके चलेंगे। दोस्तों, अब रूम से निकलने के बाद पता लगा है कि ब्रेकफास्ट भी था हमारा होटल स्नो व्यू में। मुझे ये मालूम नहीं था, मुझे लगता था कि सीधे जाना है, लेकिन इन्होंने बताया ब्रेकफास्ट भी है। तो ये गाड़ी हमारी तैयार, हमारे कुछ मित्र ये हैं, ये रत्नेश भाई मेरे साथ जाएंगे बाइक पे पीछे बैठ के। भाई साहब आए हैं, आशुतोष शुक्ला, आशुतोष शुक्ला जी हैं ये, और ये भाभी जी हमारी, और ये हमारे सर ब्रजेश सर। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा सर, मुझे तो उम्मीद ये नहीं थी कि हम अब मिल सकते हैं सुबह। मुझे भी नहीं थी सच में, क्योंकि आपने कहा था कि 6 बजे चले जाएंगे हम, ये थी, लेकिन रात को इन्होंने 1 बजा दिया यहाँ। अरे 1 बज गया था, चलते रहे, हम क्या करते, 11 तो हमें भी बज गए थे सर, 11:30। और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ ब्रेकफास्ट होगा, हम तो ये समझे थे कि सीधे जाना है। हाँ हो गया, ठीक है, आप कीजिए सर। कुछ मित्र जो अभी थे हमारे साथ, 10 जने जाने थे, वो आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम चिटकुल के लिए निकलेंगे। तो आगे मिलते हैं। ये रायपुर से आए अग्रवाल जी हैं, ये भी हमारे साथ चिटकुल जा रहे हैं, ये और इनकी वाइफ हैं, ये गाड़ी का रखी है इन्होंने। तो मैंने जैसे आपको बताया था, 2 कार और 2 बाइक जा रही हैं, तो उनमें ये अग्रवाल जी भी जा रहे हैं। ये हमारे सुशांत सिंगल सर हैं, आप तो खैर दिल्ली जा रहे होंगे बस से। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार यात्रा करें, धन्यवाद। और आपको ये पूरा प्रोग्राम करने के लिए और हमें मज़ा दिलाने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, बाइक से जाएंगे। ये पिंकल भाई की गाड़ी, एक पिंकल भाई की गाड़ी होगी, और ये हमारे मलिक साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में, और बस के लीडर के पूरे ग्रुप के लीडर यही है, इन्होंने कमान जो संभाल रखी थी। बहुत बढ़िया लगा मलिक साहब, बहुत मजा आ गया आपसे मिलके। बहुत हाँ जी, मलिक साहब ना होते ना तो रियली ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं, नहीं वो तो मैं इनकी काबिलियत में देखता रहता हूँ। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, हाँ, बस में 32 सवारियों को उठा के उनको संभालना, यहाँ तक उनको मतलब कैसे मैनेज करते हैं, कैसे 32 लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, सही बात है। तो भाई नहीं, ये तो हरियाणवी है, हरियाणवी आदमी हर समय आगे रहे जी। एक ये भाई हमारे साथ जा रहा है, ये मुकेश निमाड़ी हूँ, ये भी साथ में है। और सामने देखिए भीमा काली मंदिर, माँ के आशीर्वाद से सब लोगों को प्रोग्राम सफल रहा, और आगे भी जो आगे जा रहे हैं उनका सफल हो, बस माँ की कृपा सब पे बनी रहे, भीमा काली माता की जय हो। ये मुकेश भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं अब, ये बहुत बड़े घुमक्कड़ हैं, मध्य प्रदेश से बाइक लिया है, इनके लिए क्या है ये, तो ये अपनी अम्पाला तो ये खड़ी है। और मुकेश भाई की कहाँ है, वो खड़ी है, मुकेश भाई की भी दिखा रहा हूँ, वहाँ लो, ये मुकेश भाई की है TVS, देखो 125 cc, 110 cc की बाइक से आ रही है, और देख लो क्या हिम्मत का गजब का काम करा भाई आपने, कमाल है। तो दोस्तों, इनको विदा लेके हम भी आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहादुरगढ़ से है ये, हरियाणा से आए हैं ये भी सफर के हमारे साथी, अब तो बस से जा रहे होंगे अब। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा है। आप क्या पी रहे हो, आप क्या पी रहे हो, ये अलग से कब कैसे हैं? बढ़िया सर, देखो ये क्या हो रहा है, इनका कब ऐसा क्यों? ये भी सर आए हमारे दिल्ली से, अब चलने की सबकी तैयारी है, ब्रेकफास्ट हो ही गया सब करीब करीब, मस्त है। ये मेरी वाइफ है,
और ये ये हमारे भाई महेश जी और जयप्रकाश, ये भी हमारे अब आगे के सफर के साथ ही हैं। ये आगे की ओर बढ़ने को तैयार है बिल्कुल। अरे बिल्कुल, आप नाश्ता कीजिए, जल्दी कीजिए। बाय 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 बाय। देखिए ये सीधे सराहान से हरिद्वार की बस, ये सुबह 8 बजे चलती है सराहान से, सराहान हरिद्वार, सोलन नहान पौंटा होके देहरादून होके हरिद्वार। और ये भी हमारे सफर के साथी, ये मलिक साहब, ये भी अपनी कमान संभालने के लिए तैयार हैं। अरे मनिक साहब के पास तो अरे हमेशा से ही थी। हाँ हाँ ये गढ़िया साहब हमारे देखो फुल एंजॉय लेते हुए। अरे आपकी हमारा कुछ नहीं है जी। ठीक है ठीक है, ये सारे लोग तैयार जो दिल्ली वाले थे, ये बस तैयार होंगी। ये हमारे भाई साहब हैं हाँ जी, और ये इनकी बस तैयार है। ये जितने दिल्ली वाले आए हैं इसकी बस रेडी है, चाय नाश्ता हो गया है, बस दिल्ली की तरफ गेयर लगाने के लिए तैयार। हम चिटकुल की तरफ तैयार, आपके साथ हैं। अरे ये तो आप तो हमारे साथ जन्म भर हैं जी, आपके पीछे आपकी बुलेट पे बैठे हैं। ये रूपक जैन साहब, सुनने में चिटकुल चल रहे हो आप भी? बिल्कुल। तो चाहो तो अब ये भी एक दावेदार हो गए चिटकुल के। सबकी अपनी अपनी गाड़ियां तैयार हो गई हैं, और मेरे साथ ये ब्रजेश सर की गाड़ी भी देखो तैयार हो गई है, एकदम चलने की तैयार है ये, और हमारी एम्पाला भी तैयार है। तो दोस्तों बस कुछ ही लम्हे में हम चिटकुल के लिए निकल रहे हैं। ये होटल स्नो व्यू यहीं थे सब। चलो दोस्तों मिलते हैं आगे। लो ये हमारे सर जी हैं, बस अंतिम बार धन्यवाद इनको। ओके जी, ये चाय नाश्ता लोगों को विदा करते करते जितने ग्रुप मेंबर हैं 8:30 बज गए हैं, और अब हम चिटकुल के लिए निकल रहे हैं जो यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है। आइए सर, सी यू। ओके ओके बिल्कुल श्योर। तो अपना चिटकुल के लिए सफर शुरू हो गया है। ये हरे भरे जंगलों के बीच से फिलहाल हम पहले जाएंगे यहाँ से, ये करछम से रास्ता अलग हो जाता है, एक रिकोंगपियो के लिए चला जाता है, एक चिटकुल के लिए चला जाता है। सामने श्रीखंड महादेव की पहाड़ियाँ देखिए आप, बर्फ से ढकी हुई, कितना खूबसूरत नजारा है। अभी ये रोड ज्यूरी तक जाएगी, पहले ज्यूरी तक जिससे आए थे हम, क्योंकि वो नीचे डाउन में है, ये अप में है काफी, तो 20 किलोमीटर ज्यूरी है, ज्यूरी जाएंगे फिर वहां से हाईवे मिल जाएगा। गया है सरहान से करीब करीब 20 किलोमीटर है ये, और यहाँ से अब हमें शिमला रिकोंगपियो वाला हाईवे मिल जाएगा। सरहान थोड़ा अलग आ जाता है हाइट पर, ये जो आ गया है मार्केट ज्यूरी का, ये जो रोड आ रही है बिल्कुल सीधा जा रही है जो मेरे, ये अब चली जाएगी हमारे रिकोंगपियो की तरफ। तो आगे जगह पड़ेगी करछम, करछम से हम अलग हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये हमारे साथी कुछ रुक गए यहाँ पर, पूछता हूँ क्या है गाड़ी से, ये इनकी गाड़ी में देखता हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ। ये हमारे पिंकल भाई की गाड़ी में, यहाँ पर जब मैं आया हूँ ज्यूरी सहरान से, कुछ सौकर में प्रॉब्लम हो गई है यहाँ, अभी मैकेनिक के पास रुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भावानगर में मिलेगा, आधा किलोमीटर पीछे भी ये है। आधा किलोमीटर पीछे है, तो देखते हैं क्या होता है। ये आगे भावानगर चलते हैं, मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ, ये ज्यूरी है ये।
ये अब हमारे ये मुकेश जी भी आ गए हैं जो बाइक नंबर 2 जय भीमा काली ये मुकेश जी इनके साथ हैं और इनकी गाड़ी है। चलो आगे भावनगर दिखाते हैं इनकी गाड़ी को। दूसरी गाड़ी भी है जो हमारे साथ के हैं, ये यादव जी आ रहे हैं जिसमें, और ये अग्रवाल जी रायपुर से, ये इस गाड़ी में आ रहे हैं, इस टैक्सी गाड़ी है। तो ये हवा चेक वगैरह कर रहे हैं स्टेपनी में। ये आगे मिले, पहली गाड़ी अभी ज्यूरी में मिली थी, उनको शॉकर की प्रॉब्लम थी क्योंकि हम चिटकुल बहुत हाइट पे जा रहे हैं तो गाड़ी दुरुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो ये सारे लोग यहाँ मिल चुके हैं। हम कितने लोगों के टोटल, हम 10 तो ये हो गए और फिर वो अलग आएंगे। ये काटा लगा हुआ था इसमें, ये पंचर बनवा रहे हैं इस गाड़ी में। ये कुछ लोग भी आ रहे हैं क्या दोस्तों? ये देखिए गेटवे ऑफ किन्नौर, ये आप मेरे सामने जो चट्टान देख रहे हैं, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया हुआ है द्वार। देखिए एक ही पत्थर को काट के बना रखी है, और ये देखिए कितनी मेहनत करी होगी इंजीनियर्स ने। और नीचे ये है सतलुज रिवर की घाटी। देखिए मित्रों, स्पेशल मैंने गाड़ी इसलिए रोकी है कि आपको ये दिखा सकूं कि आपने बहुत टीवी फिल्मों में देखा होगा। ये देखिए ये टापरी आ गया है, टापरी है ये, टापरी है। नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं हम। अब ये करछम आने वाला है, करछम पे एक डैम है, यहाँ से रिकोंगपियू का रास्ता अलग हो जाता है और चिटकुल का अलग हो जाता है। ये देखिए आप मेरे सामने सांगला मेरे राइट में जा रहा है, रिकोंगपियू सीधा, कल्पा सीधा, और चिटकुल यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। सांगला 18 किलोमीटर दूर है, रिकोंगपियू 23, कल्पा 32 और चिटकुल 42 किलोमीटर। तो सांगला और चिटकुल मेरे राइट में जाएंगे, ये रिवर क्रॉस करके, और
रिकांगपिओ और कल्पा का रास्ता सीधा निकल जाता है। तो हम अपने देखिए ये राइट में ये पुल क्रॉस करके सांगला और चिटकुल की तरफ जा रहे हैं और सीधा रह गया रिकांगपिओ। ये जो मेरे लेफ्ट में है ये है करछम डैम, ये बसपा नदी पे बना हुआ है ये, और करछम से ही दो रास्ते हो जाते हैं, रिकांगपिओ का अलग और चिटकुल सांगला का अलग। ये बसपा सेकंड 300 मेगावाट, ये बसपा नदी पे बना हुआ है ये करछम डैम। सांगला यहाँ से 18 किलोमीटर है। अरे चिटकुल 41, रक्षाम 30, बटसेरी 24, सांगला 18। चिटकुल 41 है, यहाँ से अब सिंगल रोड ही है। एक बार में एक गाड़ी के लिए है, चौड़ी रोड नहीं है। देखिए खूबसूरत नज़ारा, सामने पहाड़ियों पे बर्फ। अब सांगला वैली यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जब से हम सारण से चले हैं हमने कहीं ब्रेक नहीं लिया। तो वहाँ पे सांगला वैली में हम किसी रेस्टोरेंट पे चाय नाश्ता करेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। ये सांगला आ गया है मित्रों, अब यहाँ किसी रेस्टोरेंट में आराम से भोजन पानी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से 24 किलोमीटर और चिटकुल रह जाता है, फिर वहाँ चलेंगे। ये सांगला शहर, सांगला कस्बा कह सकते हो आप। ये सांगला बस स्टैंड, ये रामपुर डिपो की बस खड़ी है। ये चिटकुल यहाँ से 24 किलोमीटर, अब देखते हैं कोई रेस्टोरेंट।
यहाँ पर दिख रहे हैं काफ़ी मुझे रेस्टोरेंट्स। ये रोक दे भैया, या ये तो तिब्बतन है। आगे देखते हैं, ये सांगला का मार्केट, अच्छा बड़ा मार्केट दिख रहा है। अब किसी रेस्टोरेंट की तलाश है। अब दोस्तों ये सांगला हम पहुंच गए हैं, सामने अशोका फूड कॉर्नर दिख रहा है मुझे। हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है और ये सामने है सांगला मार्केट और ये है अशोका फूड कॉर्नर। मित्रों मैं इस समय अशोका ढाबा सांगला वैली पे हूँ। यहाँ से छितकुल 24 किलोमीटर है, छितकुल जाएंगे और वापसी फिर शाम को हम इसी रास्ते से वापस आके रिकॉन्ट भी जाएंगे।